हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 6 आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10 ए से। एक्सरसाइज 10 ए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो बताना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। पहला पार्ट इसका देखते हैं, 24 to 56, यानी कि 24/56। इसको 8 से हम ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो 8 थ्री या 24, 8 से भेजा 56, 3:7। इस तरह से रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद इसमें और पार्ट्स हैं, जैसे सेकेंड पार्ट है 84 पैसे 2 रुपीज 3। लेकिन यहाँ पर रेशियो निकालते समय याद रखना है कि दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे 84 पैसे 2, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपये में 300 पैसे हो गए। अब रेशियो निकाल लीजिए इसका, 84 डिवाइड बाई 300, पहले 3 से कट कर लीजिए, तो 28 आ जाएगा ऊपर, 100 आ जाएगा नीचे, फिर 4 से कट कर लीजिए, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे। तो सिंपलीफाई पे 7 रेशियो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इस तरह से रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करिए, क्योंकि वही ज़्यादा आसान रहता है। वैसे कर तो छोटे को बड़े में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 84 पैसे को भी रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है बड़ी को छोटी में करने पर मल्टीप्लाई है वो ईजिली आपका सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 480 का रेशियो लेना है 384। जब नंबर ज़्यादा बड़े आ जाए तो आपको क्या करना है कि वैसे तो हम छोटे नंबरों में ऐसे काट लेते हैं, लेकिन बड़े नंबरों में आपको इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इनका पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, हम 480 का एचसीएफ निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से। पहले बनता रहेगा 384 96 हमारा एस सी एफ आएगा। तो क्या करते हैं, जितना एस सी एफ आएगा उतने से ही ऊपर भी और उतने से ही नीचे भी जो है डिवाइड कर देंगे। तो 480 को जब हम 96 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा डिवाइड करके लीजिएगा, और 384 को जब 96 डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 4, तो आंसर क्या है 5/4। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी करना है आपको, बस केवल सिंपली एस सी एफ निकाल के दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एस सी एफ से क्या करना है, डिवाइड करना है, ये है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, क्वेश्चन 3 में भी, लेकिन इसमें बस यूनिट्स का देखना पड़ेगा। बस आपको जैसे हम इसका पार्ट नंबर सपोज फिर से ले लेते हैं, 1 लीटर 35 मिलीलीटर का रेशियो निकालना है 270 ml। हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हमें हमेशा ध्यान रखना है बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करने का। तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1000 लिया गया और 35 ये वाला ऐड कर लेंगे, ये टोटल बन जाएगा 1035 ml का रेशियो निकालना है 270 ml। दोनों यूनिट एक जैसी होगी। अब हम 1 0
35 है और 270 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1035 270 से डिवाइड करेंगे तो पहले चार बार जाएगा, चार बार ज्यादा हो जाएगा, तीन बार जाएगा, ये पांच बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ये हम यहाँ लगाएंगे तो पांच बार में पूरा हमारा 225 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे आगे हमारा 45 आ गया, तो इसको 45 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका है 45 भी है 90 और 20 से ऊपर आएगा और 270 पे करेंगे तो 6 आएगा तो 23 रेशियो क्या आएगा 6। इसको चेक कर लेते हैं, 1035 को डिवाइड कर दें 45 से, 45 को जब 90 3 मिनट से 23 रेशियो क्या है 6। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं रेशियो के, ठीक है। इसके बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इनके पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।